दोस्तों यह जो पृथ्वी है, यह जो यूनिवर्स है, यह जो ब्रह्मांड है, आपको पता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। और अगर हम उसी ब्रह्मांड की तुलना अपने आप से करें तो हम एक चींटी के समान भी नहीं है। यानी कि व्यक्ति रहता है एक शहर में, शहर के ऊपर आता है राज्य, राज्य के ऊपर आता है देश, देश के ऊपर आता है महाद्वीप, महाद्वीप के ऊपर आता है पृथ्वी। आपको मैं एक झलक दिखाता हूँ कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अब शायद आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और मेरी वो बात प्रूफ होती है कि हम एक चींटी के समान भी नहीं हैं। फिर भी पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही श्रेष्ठ क्यों होता है, मनुष्य ही सबसे उत्तम क्यों होता है, या मनुष्य जाति ही सबसे उत्तम क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि हम ही एकमात्र ऐसे प्राणी हैं जिनको अपने अस्तित्व के बारे में ज्ञात है। यानी कि आप हैं, आपको पता है कि आप हैं, आपके अंदर चेतना है, आत्मा है, यानी कि जान है। कुछ हद तक हम जानवर में भी मान सकते हैं कि उनको भी थोड़ा सा ज्ञात है, लेकिन वह सीमित मात्रा में होता है। यानी कि उनको सीमित ज्ञान है कि उनका भी अस्तित्व है। जैसे कि जो पानी होता है, पानी में भी कई सारे जीवाणु होते हैं, लेकिन उन जीवाणु को यही नहीं पता होता कि हम हैं। इसको एक बेहतरीन एग्जाम्पल से समझे, यानी कि वह जीवित तो है लेकिन उनको पता नहीं कि वह है, यानी कि वह जीवित है। उनको ये तक पता नहीं होता कि उनको कोई मार रहा है, यानी कि उनका सेवन कोई कर रहा है, उनको पानी में खौला रहा है। जैसे कि एक व्यक्ति कोमा में होता है, उसको यही नहीं पता होता कि वह जीवित है, यानी कि उसकी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन उसको यही नहीं पता कि उसका कोई अस्तित्व है। जो पेड़ होते हैं, पेड़ हमसे कितने बड़े होते हैं, लेकिन पेड़ को यही नहीं पता कि उनका कोई अस्तित्व है। जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ को भी यही नहीं पता होता कि उनका कोई अस्तित्व है। पृथ्वी हमसे कितनी गुना बड़ी है, पृथ्वी को भी यही नहीं पता कि उनका कोई अस्तित्व है। जो स्टार होते हैं, यानी कि जो तारे होते हैं, उनको भी यही नहीं पता होता कि उनका कोई अस्तित्व है। और तारे आपको पता है कि सूर्य से भी हजार गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये एकमात्र ऐसा कारण है जो कि मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। भले ही उस तारे की तुलना में हम एक चींटी के समान हो या चींटी से भी छोटे हों, लेकिन उस चींटी के समान व्यक्ति को ये पता होता है कि हम जीवित हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।